brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. पाकिस्तान में एक आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पहली बार नहीं है जब अज्ञात हमलावरों ने किसी आतंकी को गोली मारी हो। पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में करीब 21 से अधिक वो आतंकी मारे गए जो भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये सभी आतंकियों को अज्ञात हमलावर ने मौत के घाट उतारा है। मारे गए आतंकवादी लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे। लगातार मारे जा रहे आतंकवादियों के बाद पाकिस्तान में चल रहे सभी प्रमुख आतंकी खौफ के साए में जी रहे या फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये हत्याएं लगभग एक ही पैटर्न पर हो रही। हाल ही में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में हुई करीब 20 हत्याएं संयुक्त अरब अमीरात से संचालित भारतीय खुफिया एजेंसियों के स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिए गए। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भी सामने आता है, उसने इन हत्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने लक्षित हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय हत्यारों का एक नेटवर्क स्थापित किया है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में तैनात लोगों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। हालांकि भारत ने इस तरह के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चलिए अब ध्यान से सुनिए और जान लीजिए उन आतंकियों को जिन्हें अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया या फिर उनकी खोपड़ी खोल डाली। दरअसल इनमें आमिर सरफराज, परमजीत सिंह, बशीर अहमद पीर, एजाज अहमद अहंगर, सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान, मौलाना रहीमुल्ला, अकरम खान, ख्वाजा शाहिद, शाहिद लतीफ, सैयद नूर सालोवर, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, लाल मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकवादी शामिल हैं। पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों के मुताबिक 150 से ज्यादा आतंकी संगठन या आतंकवादी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और कई आतंकवादी तो खुले आम घूमते हैं। हालांकि हालिया अज्ञात हमलों के बाद सभी आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले साल बताया था कि उसने पाकिस्तान में मौजूद 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन और आतंकियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इसमें हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, जकीर उर रहमान लखवी, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र आतंकी संगठन या आतंकवादी को जिस लिस्ट में डालती है उसे 1264 ISIL या अलकायदा समिति कहा जाता है। इस लिस्ट में किसी व्यक्ति या संगठन का नाम तभी जोड़ा जाता है जब उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत होते हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी SATP के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। एक भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां कोई आतंकी संगठन ना हो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंक का नेटवर्क तैयार कर रही है। चाहे कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाना हो या फिर पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों को तैयार करना हो, सबके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक भारत के मोस्ट वांटेड मारे जा रहे हैं उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।